करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, ए लांग चरण, बी हार्वेस्टिंग चरण, सी वनस्पति चरण और डी सी आर आई चरण। क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, सी आर आई चरण। क्वेश्चन नंबर दो। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, ए लोरिन 10, बी मोरिन 10, सी नोरिन 10, डी डीएनए। क्वेश्चन नंबर दो का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है वो है क्वेश्चन नंबर दो का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। गेहूं के पुष्प भाग को कहते हैं, ए तना, बी कान या सिर, सी ताज, डी पेनिकल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गेहूं के पुष्प भाग को कहते हैं, ए तना, बी कान या सिर, सी ताज, डी पेनिकल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, कान या सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। गेहूं के दाने की केंद्रीय वक्र अक्ष कहलाती है, ए जड़, बी शूट, सी राइचिस, डी क्राउन। तो क्वेश्चन नंबर चार का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, राइचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच। गेहूं के दाने का फल प्रकार है, ए कैरियोप्सिस, बी राइचिस, सी अवंस, डी पेनिकल्स। क्वेश्चन नंबर पांच का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, कैरियोप्सिस। गेहूं के दाने का फल प्रकार है ए कैरियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह। जौ माल्ट से ऊर्जा, भरपूर पेय पदार्थ है, ए बार्नविटा बूस्ट हॉर्लिक्स। सी कोको कोला, सी ओ आर एस और डी बिस्की और वोदका। तो क्वेश्चन नंबर छः का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, बार्नविटा बूस्ट हॉर्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन। जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है, ए 10-12%, बी 50-60%, सी 90-100% और डी 50-600%। जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है, ए 10-12%, बी 50-60%, सी 90-100%, डी 500-600%। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का ए ऑप्शन कर 10-12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ। भारत में जौ का उत्पादन होता है, ए 5 मिलियन टन, बी 122 मिलियन टन, सी 20 मिलियन टन, डी 100 मिलियन टन। तो क्वेश्चन नंबर आठ का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट,
भारत में जौ का उत्पादन कितना होता है? तो आठ का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.22 मिलियन टन होगा। क्वेश्चन नंबर आठ का बी ऑप्शन इज करेक्ट, भारत में जौ का उत्पादन होता है 1.22 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जई की बीज दर की आवश्यकता है, जई की बीज दर की आवश्यकता है ए 2 से 5 की ग्राम प्रति हेक्टेयर, बी 1000 से 200 की ग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 125 से 175 की ग्राम प्रति हेक्टेयर, डी 10 से 20 की ग्राम प्रति हेक्टेयर। जई की बीज दर की आवश्यकता है ए 2 से 5 की ग्राम प्रति हेक्टेयर, बी 1000 से 200 की ग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 125 से 175 की ग्राम प्रति हेक्टेयर, डी 10 से 20 की ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन ये करेक्ट, 125 से 175 की ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, भारत में जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जौ की बीज दर एक हेक्टेयर होती है, जौ की बीज दर एक हेक्टेयर होती है ए 400 की ग्राम, बी 10 की ग्राम, सी 100 की ग्राम, डी 1000 की ग्राम। जौ की बीज दर एक हेक्टेयर होती है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 100 की ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की दो किस्में हैं, जौ की दो किस्में हैं ए भूसी कम और पतवार, बी ओवल और राउंड, सी हल्क और थोक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन ये करेक्ट होगा, भूसी कम और पतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जौ के भंडारण के लिए नमी की आवश्यकता है, जौ के भंडारण के लिए नमी की आवश्यकता है ए 10 से 12%, बी 50 से 60%, सी 100 से 200%, डी 90 से 100%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जौ की औसत उपज है ए 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर, बी 100 से 150 टन प्रति हेक्टेयर, सी 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, डी 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर। जौ की औसत उपज है, करेक्ट आंसर 14 का ई ऑप्शन इज करेक्ट, 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जौ का उद्गम केंद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जौ का उद्गम केंद्र है ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी एशिया और इथियोपिया, और डी ऑस्ट्रेलिया। जौ का उद्गम केंद्र है आपका 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, एशिया और इथियोपिया, एशिया और इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं, जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं ए कान, बी पुष्पगुच्छ, सी केल, डी स्थूल मंजरी। जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं ए कान,
वी पुष्पगुच्छ, सी कील और डी स्थूल मंजरी। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट कील। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जौ में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जौ में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण है ए टेलरिंग, वी सीआरआई, सी कुसुमित, डी फसल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट टेलरिंग, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट टेलरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जौ की फसल को की आवश्यकता होती है। जौ की फसल को की आवश्यकता होती है ए ठंडी और शुष्क जलवायु, बी गर्म और आर्द्र जलवायु, सी सूखी और गर्म जलवायु और डी पाला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन इज करेक्ट ठंडी और शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्रकाश आवधिक रूप से जौ एक प्रकार का पौधा है। प्रकाश आवधिक रूप से जौ एक प्रकार का पौधा है ए छोटा दिन, बी लंबा दिन, सी दिन तटस्थ, डी ई और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा लंबा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, जौ की बुआई की गहराई है। जौ की बुआई की गहराई है ए 102 सेंटीमीटर, बी 3-5 सेंटीमीटर, सी 5-6 सेंटीमीटर, डी 7-10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ए 3-5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जौ की टहनी कहलाती है। जौ की टहनी कहलाती है ए तना, बी शूट, सी कलम और डी बार्क। तो 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट कलम, जौ की टहनी कहलाती है कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जौ का पत्ता है। जौ का पत्ता है ए डंठल, बी बिना डंठल का, सी ए और बी दोनों, डी उपजाऊ। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट बिना डंठल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जौ की लवर सही रूप किस्म है। जौ की लवर सहिष्णु किस्म है ए अंबर, बी नीलम, सी आर डी 137, डी आर डी 101। तो 23 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जौ अच्छी तरह से में बढ़ता है ए खरीफ मौसम में, बी जायज मौसम में, सी रबी मौसम में, डी प्री मानसून सीजन में। तो 24 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट रबी मौसम में, जौ अच्छी तरह से रबी मौसम में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जौ के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। जौ के लिए तापमान की आवश्यकता होती है ए 5-27 सेंटीग्रेड, बी 30-40 सेंटीग्रेड, सी 30-45 सेंटीग्रेड, डी 40-45 सेंटीग्रेड। तो 25 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट 5-27 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चने का वैज्ञानिक नाम है। चने का वैज्ञानिक नाम है ए सीसर एरिटिनम, बी सीसर फेबोइडी, सी सीसर काबुलिनम और डी जिया मेज।
तो 26 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। सीसर एरिटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। चने को इस नाम से भी जाना जाता है, चने को इस नाम से भी जाना जाता है, ए मक्का, बी सरसों, सी बंगाल चना, डी हलवा। तो 27 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बंगाल चना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। चना का परिवार है, चना का परिवार है, ए सोलेनेसी, बी रूटेसी, सी फेबेसी, डी प्रोटीनेसी। तो 28 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, फेबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। चने छोले किसमें समृद्ध हैं, चने छोले किसमें समृद्ध है, ए चीनी, बी प्रोटीन, सी थायमिन, डी राइबोफ्लेविन। तो 29 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मानव शरीर में चना कम कर सकता है, मानव शरीर में चना कम कर सकता है, ए रक्त कोलेस्ट्रॉल, बी ब्लड शुगर, सी रक्त प्रोटीन, डी रक्तचाप। तो 30 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यार, रक्त कोलेस्ट्रॉल। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफाई टावा से, प्यारे बच्चों मैं आज फोर्थ सेमेस्टर AG 4001 का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रवि सिंह क्रॉप का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 30 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।